चांदनी चौक में एक गली है जिस गली का नाम है जुगल किशोर। उसके अंदर हमारे बाबा जी के परिवार के सब मकान हुआ करते थे। उसी एक मकान में मेरा जन्म एक सभ्रांत कुल में कायस्थ माथुर फैमिली में हुआ। हम 10 भाई बहन थे और मैं सबसे छोटी। उस समय अंग्रेज़ों का राज था, दिल्ली में शोर मचा हुआ था क्योंकि 8 अप्रैल को भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और 9 अप्रैल को मेरा जन्म हुआ। मेरा जो परिवार था उसमें शिक्षा की बहुत महत्ता थी, तो जब मैं बड़ी होनी शुरू हुई तो कहीं भी से भी रिकॉर्ड बजता था, कहीं शादियों का या कोई रेडियो बजता था तो मैं उस पर नाचने लगती थी। तो मुझे बहुत ऐसा मन करता था, हर वक्त थिरकती रहती थी, मुझे संगीत इस तरह से अपनी तरफ खींचता था। तो समझ लीजिए अब बचपन इस तरह से शुरू हुआ। सरोद से उनका परिचय कैसे हुआ आइए जानते हैं। हमारे भाई को बड़ा शौक था, राजेंद्र नारायण जो थे वो नई नई चीज़ें खरीद के लाते थे, पैसा भी बहुत था उन पर, घर में सजा देते। तो एक जगह से उन्होंने कभी नहीं देखा था एक बाजा, उन्हें पता भी नहीं था क्या था, वो खरीद लाए, वो था सरोद। वो खरीद लाए और अपनी वाइफ से कहा ये देखो मैं बाजा लाया हूँ ये सीखो। तो कहने मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, मैं बच्चों को पालूंगी सरोद ये सीखू, उन्हें पता ही नहीं था क्या है कि हाँ नाम क्या है, तो मैं नहीं बजाऊंगी। तो वो सरोद जो था एक अलमारी पर रख गया, बहुत साल से पड़ा था। तो उस दिन मेरी दिमाग सामने निगाह गई उस पर, 8 साल की थी मैं, 8-9 साल की। तो मैंने कहा ये देखें कि क्या बजा, उसका नाम ही नहीं पता। तो उसको उतारा पर धूल ही धूल जम रही थी, उसको झाड़ा और पहुँचा और गाना सीखा था तो सुर ज्ञान तो था ही। तो उसके जो तार थे ढीले पीले पड़े हुए, उसको मैंने जो कसना शुरू करा वो अपने आप अपने स्थान पर आ गए, सामा सापा, क्योंकि उससे ऊंचा तो जाए तो अजीब लगे क्योंकि ज्ञान तो था उसका म्यूजिक का, अब ये नहीं पता बजता कैसे, कहाँ से कैसे बजाएं क्या करें। तो पलंग पर बैठी हुई थी मैं, पलंग पर बैठ के मैंने वो, तो उस ज़माने में पैसा चलता था, मुझे नहीं मालूम था जवा से बजता है या मिजाब से बजता है काय से बजता है, तो पैसा था तांबे का पैसा। तो उस पैसे से मैंने उसको जो टकोरा और जो उसमें से आवाज़ निकली वो मेरे दिल के अंदर चली, मैंने कहा ये मेरे लिए बना है, मैं इसके लिए बनी हूँ। उन्होंने सरोद की एक विशेषता बताते हुए कहा था, देखिए हमारे यहाँ बहुत साज हैं, बहुत साज हैं, एक ज़माने में तो और भी थे जो बज रहे हैं आज। फ्लूट है वो शरीर से दूर होठों से लगा के बजाई जाती, छोटी सी चीज़ बड़ी फ्लूट से छोटी तक वो शरीर से दूर है ना। सितार है वो दूर रखी जाती है घुटने के पास, दिल रुबा है वो दूर है, सारंगी इधर रखती है, वायलिन इधर रखते हैं, वीणा है ज़मीन पर रखते हैं शरीर से दूर, संतूर है वो दूर रखते हैं। गौर था सुनिएगा जो मैं कह रही हूँ, हर सांस शरीर से दूर रख के बज रहा है। तबला है पखावज है, लेकिन एक सिर्फ सरोद है, सिर्फ सरोद जो पेट से दबा के बजता है, सिर्फ सरोद जो है वो पेट से दबा के बजता है। और इसी के लिए मुझे ये जब समझ आई, जबकि मैं समझ लीजिए 40 साल की हो गई। आइए अब सुनते हैं विदुषी शरण रानी से सरोद पर राग जिला काफी। Thank you.
संगीत भगवान की आराधना का एक माध्यम है, इस संबंध में उन्होंने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। संगीत जो है वो एक तरह से ईश्वर की धरोहर है, साज जो है मैं उसको ईश्वर मानती हूँ। जब आप दिल से सा लगाते हैं, आंख बंद करके सुर लगाते हैं, चाहे वो साज हो चाहे गला हो, तब आपको एक आभास आत्मा में होता है। तो ईश्वर पे पहुंचने का सबसे अच्छा माध्यम जो है वो है संगीत। किसी भी चीज़ को आप पूरे तन मन धन से कहना चाहिए लगाएं मन को, तो आप ईश्वर के पास ही होते हैं, एकाग्रता जो है। तो ये जो संगीत है इसके सुर ऐसे हैं कि आप जो शाम के सुर हैं ना, अब मालकोश है, आप सुबह बैठकर गाइए तो आपको ही भास होगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। संगीत के प्रति शरण रानी के समर्पण और योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, सम्मान सबसे बड़ा होता है, जो अपनी ऑडियंस होती है वो आपका संगीत पसंद करे, क्योंकि हम लोग जीते ही उनकी वजह से, हमारी कला पनपती हमारे सुनने वालों की वजह से। लेकिन इत्फाक से बचपन से मुझे हर जगह जब प्राइज़ मिलता था फर्स्ट मिलता था, बचपन से बड़े हो तक जब टीवी स्कॉलर भी हुआ तो ऑल ओवर इंडिया से मुझे सेलेक्ट किया था। बनारस गई तो वहाँ ऑनर हुआ, राय कृष्णदास थे वो वहाँ के उसके हेड थे कला भवन के, संगीत के बेहद ज्ञानी, पेंटिंग के बेहद ज्ञानी, आर्ट के एंट्री उन्होंने वो सब कुछ बनाया था वहाँ, तो उन्होंने प्रोग्राम किया था उसमें, महादेवी वर्मा और मुझे बुलाया था, तो स्टेज पर हम सब बैठे हुए थे, मैंने बजाया भी था वहाँ, उन्होंने मुझे बनारस का सम्मान दिया और इलाहाबाद से भी मुझे मिला, हर एक शहर से, कलकत्ते से मिले, कितने ही सम्मान मुझे हर शहर से मिले हैं, बाहर विदेशों से मिले हुए हैं, डॉक्टरेट मिली हुई है और अपने देश में साहित्य परिषद की 70s में मिल गया था मुझे, और इधर पद्मश्री पद्म भूषण ये भी मिला, और यहाँ ऑल इंडिया रेडियो से नेशनल अवार्ड भी मिला। संगीत की परंपरा को आगे बढ़ाने में और कलाकारों को जन जन तक पहुंचाने में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस भूमिका को रेखांकित करते हुए विदुषी शरण रानी ने कहा था, आकाशवाणी की वजह से कितने ही कलाकार बन गए, कितने कलाकार जिंदा रहे और जगह जगह पहुंचाए गए संगीत सम्मेलन के माध्यम से। पहले तो चेन बुकिंग भी होती थी, आकाशवाणी से चेन बुकिंग भी होती, और एक रेडियो, खाली रेडियो ऐसा माध्यम था, आज से नहीं बरसों से, 75 साल से ऊपर हो गए, क्या रेडियो ही माध्यम था जिसमें आप शास्त्रीय संगीत भी सुन सकते हैं, टॉक्स भी सुन सकते हैं। आज तो रेडियो ने इतनी तरक्की करी है, मेरे से पूछिए। देखिए, संगीत का प्रचार जितना रेडियो ने किया है किसी ने नहीं किया, और रेडियो से जुड़े हुए सारे लोग बचपन से बुढ़े हो गए, बजाते बजाते गाते गाते, तो रेडियो से का तो कंट्रीब्यूशन आज और बढ़ गया है। संगीत का तो प्रचार करते ही हैं, अब उनके जो प्रोग्राम है आप ताज्जुब करेंगे कि ग्रामीण प्रोग्राम से लेके बच्चों से लेके औरतों का, बहनों का, आधा आकार से लेके सारे प्रोग्राम मैं सुनती हूँ, और मैं ये देखती हूँ कितनी नॉलेजेबल प्रोग्राम कर रहे हैं,